भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा भारत रत्न सम्मान से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा के स्थल को सुंदरीकरण कराए जाने के नाम पर उसको छोटा करने के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता मंच के सदस्यों ने यातायात कार्यालय स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और वहीं धरने पर बैठ गए, जिस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को उठाकर पुलिस लाइन भिजवा दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंच के महासचिव विजय श्रीवास्तव ने कहा, भ्रष्टाचारियों की कांग दबाइए, भ्रष्टाचारियों की कांग दबाइए, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, मूर्तियों का विस्तार करो, मूर्तियों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, 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 क्या जा रहा है, बताइए निवेदन है, प्रशासन होश में आ जाइए, अगर आप होश में नहीं आते हैं तो हम ही से ही बजा करके आपको ये संदेश दे देंगे कि आपको ये लड़ाई हो रही है, आने वाले समय में हम आपको इस शहर में आग लगा करके दिखा देंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कायस्थ महापुरुष राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, ईमानदार राष्ट्रपति रहे, इनका नाम देश में नहीं पूरे विश्व में है। इनके प्रतिमा पे जो चबूतरा है उसके निर्माण के लिए दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, सुंदरीकरण के नाम पे चबूतरे को छोटा किया जा रहा है, जो काय समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। काय समाज के साथ साथ सारे लोग इससे व्यथित हैं। यह प्राइवेट कंपनियों द्वारा प्रायोजित करा के काम कराया जा रहा है और भुगतान सरकारी ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। मैं शासन और प्रशासन के अधिकारियों से मांग करता हूँ कि ये चौराहे के सुंदरीकरण के नाम पर जो पैसों का बंदरबांट हो रहा है, इसमें करोड़ों का घोटाला है। मेरा निवेदन है कि शासन प्रशासन के लोग, सरकार के लोग इस पूरे प्रकरण का जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।